हेलो दोस्तों, इनसाइड टेक चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट की एक रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। दोस्तों, ये जो बैटरी हम बनाने वाले हैं, ये काफी यूजफुल बैटरी होने वाली है। इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इससे आप मिनी इन्वर्टर बना सकते हैं या फिर इससे आप एक लॉन्ग लास्टिंग एमरजेंसी लाइट बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो हम लिथियम बैटरी यूज करने वाले हैं वो ये है 18650 नंबर की। दोस्तों, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने शुरू से एंड तक देख ली तो आप 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट हर तरह की बैटरी खुद ही बड़ी आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए बैटरी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लिथियम बैटरी कई एम्पियर रेंज में आती है, जैसे ये है 1200 mAh, ये है 2000 mAh, इसी तरह ये 2600 और 3000 mAh की भी आती है। किसी भी बैटरी की पावर को मेजर करने के लिए उनमें दो चीजें देखनी होती है, वो है उसकी वोल्टेज और उसके एम्पियर। जैसे ये बैटरी है 3.7 वोल्ट 1200 mAh यानी 1.2 एम्पियर की, ये बैटरी है 3.7 वोल्ट 2000 mAh यानी 2 एम्पियर की। ऐसे ही जो हम UPS में बैटरी देखते हैं वो होती है 12 वोल्ट 7 एम्पियर की, ये देखिए इस बैटरी पर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इन बैटरियों को जोड़ने के बारे में। दोस्तों, किसी भी बैटरी को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे। इस तरह से जब हम जोड़ते हैं, यानी इसके प्लस से इसके माइनस, इसके प्लस से इसका माइनस, तो इस तरह से जोड़ना कहलाता है सीरीज में जोड़ना। और अगर हम इन बैटरियों को ऐसे जोड़े, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, तो ये कहलाता है पैरेलल में जोड़ना। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों तरीके से जोड़ने में क्या फर्क है। दोस्तों, अगर हम बैटरियों को ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं तो इन सभी के वोल्टेज आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे 3.7 इसके और 3.7 इसके, तो देखिए यहाँ पर हमें 7.4 वोल्ट मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें एक बैटरी और जोड़ दें तो उसके वोल्टेज भी इसमें जुड़ जाएंगे। देखिए 3.7 इसके, 3.7 इसके और 3.7 इसके, तो यहाँ इनके सिरों पर हमें मिलेंगे 11.1 वोल्ट। ऐसे ही जितनी बैटरी आप जोड़ते जाएंगे उन सभी की वोल्टेज आपस में जुड़ती जाएगी। अब देखते हैं कि पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है। ये इस बैटरी के 3.7 वोल्ट और ये इस बैटरी के 3.7 वोल्ट, अब हम इनको पैरेलल में जोड़ देते हैं। अब देखें ये क्या, दोस्तों इन दोनों को मिलाकर भी इनकी वोल्टेज 3.7 वोल्ट ही है, फिर इस तरह से जोड़ने का क्या फायदा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो ये दो बैटरी पैरेलल में जोड़ी है इनके वोल्टेज सेम है लेकिन इनके एम्पियर आपस में जुड़ गए हैं, मतलब इसके 2 एम्पियर और इसके 2 एम्पियर दोनों मिलाकर ये बैटरी बन गई है 3.7 वोल्ट 4 mAh यानी 4 एम्पियर की। मतलब सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज प्लस होता है लेकिन एम्पियर सेम रहता है जितना एक बैटरी का है, और पैरेलल में जोड़ने से एम्पियर प्लस होता है, वोल्टेज सेम रहती है यानी जितनी एक बैटरी की वोल्टेज है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें एक 12 वोल्ट 6 एम्पियर की बैटरी बनानी है, तो पहले हम तीन बैटरीज को सीरीज में जोड़ेंगे। दोस्तों, ये बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है लेकिन फुल चार्ज होने पर 4.2 वोल्ट आउट करती है, तो हम इनको चार्ज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब हमें इनसे मिल गए हैं 12 वोल्ट, लेकिन एम्पियर वही रहेगा जो एक बैटरी का है यानी 2 एम्पियर। तो हम ऐसी तीन सीरीज को आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा, तीनों सीरीज की वोल्टेज तो सेम रहेगी लेकिन उनके एम्पियर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 2 एम्पियर इस सीरीज के, 2 एम्पियर इस सीरीज के और 2 एम्पियर इस सीरीज के, तो कुल हो जाएंगे 6 एम्पियर। तो देखा आपने, बैटरी को सीरीज में जोड़कर हम अपनी जरूरत के मुताबिक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और उन सीरीज को पैरेलल में जोड़कर अपनी जरूरत के मुताबिक एम्पियर प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, लिथियम बैटरी ड्यूरेबल तो होती है लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सेंसिटिव भी होती है। इसको ओवरचार्ज, डीप डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट से बचाना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए हम एक सर्किट यूज करते हैं जिसका नाम है BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, एक अच्छी और सुरक्षित बैटरी बनाने के लिए BMS के कनेक्शन का पता होना भी जरूरी है। चलिए हम एक बैटरी बनाते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर की। तो यहाँ पर हम पहले की तरह ही तीन बैटरी को सीरीज में जोड़ लेते हैं और इस बार हम जोड़ने के लिए ऐसे बैटरी स्पेसर यूज करेंगे बैटरियों को अपनी जगह बनाए रखने के लिए। देखिए, इसमें हमने एक बैटरी ऐसे सीधी लगाई है, दूसरी उल्टी और तीसरी फिर सीधी, ताकि हमारी सीरीज बन सके। जैसे ये पहली बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ भी देखिए ये पहली बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, तो पहली का पॉजिटिव दूसरी के नेगेटिव से जुड़ेगा। It's not a game. It's a
ऐसे ही दूसरी बैटरी का पॉजिटिव तीसरी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा, ऐसे। तो कुछ इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। ये देखिए, ये है BMS सर्किट। सबसे पहले हम इसके वो पॉइंट देख लेते हैं जो हमें बैटरी से कनेक्ट करने हैं। ये देखिए 0 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट और 12.6 वोल्ट। दोस्तों, इस पूरी सीरीज की पहली बैटरी का जो नेगेटिव सिरा होता है वो है 0 वोल्ट, और इसी पॉइंट से हम सारी वोल्टेज को मेजर करते चलेंगे। सबसे पहले तो 0 वोल्ट वाला कनेक्शन ही कर लेते हैं। अब देखिए, पहली बैटरी के पॉजिटिव पर हमें मिलेंगे 4.2 वोल्ट और इस पॉइंट पर भी लिखा हुआ है 4.2 वोल्ट, तो इसको यहां जोड़ देंगे। अब देखिए, दूसरी बैटरी के पॉजिटिव पर हमें मिल रहे हैं 8.4 वोल्ट, तो इसको हम 8.4 वोल्ट वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब तीसरी बैटरी के पॉजिटिव पर हमें मिल रहे हैं 12.6 वोल्ट, तो इसे हम 12.6 वोल्ट वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब दोस्तों, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है, इन्हीं से हमें 12 वोल्ट प्राप्त होगी और इन्हीं से ये बैटरी दोबारा चार्ज होगी। अब दोस्तों, ये तो हुई 2 एम्पीयर की बैटरी, लेकिन अगर आपको ज्यादा एम्पीयर की बैटरी बनानी है तो भी BMS के कनेक्शन यही रहेंगे, बस आप इसी सीरीज के पीछे सीरीज पैरेलल में जोड़ते जाइए। देखिए, प्रैक्टिकली ऐसे पीछे सीरीज रखिए, पैरेलल में सभी बैटरी को पॉइंट को जोड़ते जाइए, तो BMS के कनेक्शन अपने आप ही सभी बैटरी तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये बैटरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए PVC पाइप की शीट से एक बहुत ही बढ़िया केसिंग बनाएंगे, जिससे देखने में एक ब्रांडेड बैटरी दिखेगी।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारी शानदार बैटरी बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी कंपोनेंट और टूल्स यूज हुए हैं उन सभी के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहें तो वहां से मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसाइड टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।